नमस्कार, जी बिजनेस की खास पेशकश में आपका स्वागत है। आने वाले आधे घंटे में हम बातचीत करेंगे डिस्टेंस लर्निंग के बढ़ते बाजार और साथ ही आज हम अपना ध्यान केंद्रित करने वाले हैं साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी पर। कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ पवन दुग्गल साहब हैं। पवन दुग्गल साहब एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के और साथ ही पवन साहब प्रेसिडेंट हैं साइबर लॉज डॉट नेट के। नमस्कार, स्वागत है आपका पवन साहब कार्यक्रम में। उनके साथ मौजूद हैं अंकित फाडिया। अंकित एक इंडिपेंडेंट कंप्यूटर सिक्योरिटी और डिजिटल इंटेलिजेंस कंसल्टेंट हैं, साथ ही उन्होंने कई बुक्स का ऑथर किया है जिनको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। अंकित, आपका भी स्वागत है शो में। हमें विश्वजीत चक्रवर्ती ज्वाइन कर रहे हैं जो कि एलुमनाई हैं, IMT गाजियाबाद से इन्होंने ये स्पेसिफिकली कोर्स किया है, और साथ ही हमें मनीष पुरोहित ज्वाइन कर रहे हैं जो कि सिस्टम इंजीनियर हैं, टीम लीडर हैं इनफैक्ट IBM के। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। लेकिन इससे पहले कि हम बातचीत आगे बढ़ाएं, हम आइए एक रिपोर्ट पर निगाह डालते हैं। बाजार में जो तमाम कोर्सेज इसको लेकर ऑफर किए जा रहे हैं और किस प्रकार से उनको लेकर स्टूडेंट्स की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, पहले नजर इस रिपोर्ट पर। टेक्नोलॉजी के इस दौर में जहां कंप्यूटर्स और इंटरनेट हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गए हैं, वहीं दूसरी ओर साइबर क्राइम ने भी साइबर स्पेस में अपनी जगह बना ली है। आज डे टू डे लाइफ में इंटरनेट हमारी लाइफस्टाइल का इंटेग्रल पार्ट बन गया है और उतना ही इम्पोर्टेंट हो गया है उसकी सेफ्टी को मेंटेन करना। IMT सेंटर फॉर डिस्टेंस लर्निंग एक ऐसा ही इंस्टीट्यूशन है जो प्रोवाइड करता है एक ऐसा कोर्स जिसमें नॉलेज अपग्रेडेशन के साथ बिजनेस स्ट्रेटजीज के साथ स्टूडेंट्स को तैयार किया जाता है। छह एकड़ का लश ग्रीन कैंपस, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, वेल इक्विप्ड क्लासरूम्स, वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी, fully networked Wi-Fi campus. Welcome to IMT Center for Distance Learning. ऊंची उड़ान भरने का आसमान जहां सपनों को मिलते हैं पंख। दिल्ली से एक घंटे की दूरी पर मौजूद इस कैंपस में हर साल हजारों बच्चे मैनेजर और एंटरप्रेन्योर बनने का सपना लिए यहां आते हैं और शायद ही कोई खाली हाथ वापस लौटता है। तेजी से बदलती दुनिया, इस दुनिया के साथ रफ्तार कायम रखना आसान काम नहीं है। ऐसे में IMT CDL गाजियाबाद ऑफर करता है कई तरह के मैनेजमेंट और IT प्रोग्राम्स। इन कोर्सेज को रेगुलर इंटरवल्स पर अपडेट किया जाता है ताकि यहाँ के स्टूडेंट्स जिंदगी में आने वाले हर इम्तिहान में अव्वल आ सकें। IMT CDL, दिस इज 28 ईयर्स ओल्ड इंस्टीट्यूट एंड वी आर ऑफरिंग ओनली पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन मैनेजमेंट। As far as course content is concerned, we are modifying our content on regular basis. We have semester system in our distance education program. And in every semester, we are adding new case studies, we are removing the old contents, we are adding the new simulation techniques, new contents, new case studies, new books in our library to improve the learning and make learning more interesting. अब वो समय नहीं रहा जब लोग एक करियर चुनकर अपनी पूरी जिंदगी उसी को पकड़कर बिता दें। आज लोग रिस्क भी लेना पसंद करते हैं, तो वो जो अपना करियर चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर अपनी फॉर्मल क्वालिफिकेशन बढ़ाने के लिए जिन लोगों के पास वक्त नहीं है, उन सभी का मेन कंसर्न डिस्टेंस लर्निंग को लेकर यही है कि डिस्टेंस एजुकेशन की वैल्यू कितनी है। अब डिस्टेंस लर्निंग खाली डिस्टेंस लर्निंग नहीं रहा है, जब से टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है तो आप ये कह सकते हैं दिस इज लर्निंग इन वर्चुअल एनवायरनमेंट। क्योंकि जब फैकल्टी के साथ आपका इंटरेक्शन पॉसिबल है और लाइव इंटरेक्शन पॉसिबल है, लाइब्रेरी फैसिलिटी आपकी अवेलेबल है जो कि आप अपने घर पर बैठ के एक्सेस कर सकते हैं, तो डिस्टेंस एजुकेशन जो कहलाती थी अब डिस्टेंस डे बाई डे टेक्नोलॉजी के साथ कम होती जा रही है। तो इस मोड का क्रेज डे बाय डे बढ़ रहा है और जो मेरे को लगता है कि आने वाला टाइम वर्चुअल लर्निंग का है और ई लर्निंग का है।
आईएमटी सीडीएल गाजियाबाद को डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, लेकिन इस पर आपको और जानकारी देने के लिए आज हम एक्सपर्ट्स की मदद से ये भी जानेंगे कि डिस्टेंस लर्निंग कितनी फायदेमंद है और रेगुलर कोर्स के मुकाबले इसमें एडमिशन कितना कारगर है। जहाँ तक इंडस्ट्री एक्सेप्टेबिलिटी की सवाल है, इसकी डिमांड इंडस्ट्री में तेजी के साथ बढ़ रही है और हमारे अधिकतर स्टूडेंट्स कॉरपोरेट में की पोजिशंस पे हैं या उनको उस पर्टिकुलर एरिया में प्रमोशन मिल रहा है। आज जहां इंटरनेट एक्सेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक अहम हिस्सा है और उस अहमियत को बनाए रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल। बुरी साइबर सिक्योरिटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस को मार सकती है और वहीं अच्छी स्ट्रेटजी बिजनेस को दे सकती है नया जीवन, इसीलिए एक अच्छे कोर्स का चुनाव बहुत जरूरी है। देखिए, साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर लॉ ये एक यूनिक प्रोग्राम आईएमटी ने स्टार्ट किया। इंडिया पूरे वर्ल्ड में आईटी के लिए जाना जाता है। हमारे जो यूथ हैं वो सॉफ्टवेयर के एक्सपर्ट हैं और पूरे वर्ल्ड में सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कंपनीज को सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आईटी की फील्ड में है, दैट इज़ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। और पिछले 5 साल में अगर इसमें देखें तो इस प्रोग्राम में स्टूडेंट्स का नंबर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, उसमें इंडस्ट्री में एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा है। जितने भी स्टूडेंट्स ने इस प्रोग्राम को किया है, अधिकतर या तो उनको उस कंपनी में प्रमोशन मिला है या उनको एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिली है। आईएमटी सीडीएल गाजियाबाद ऑफर करता है 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी। ये डिप्लोमा प्रोग्राम बुनियादी तौर पर पहले से ही काम कर रहे साइबर एक्सपर्ट्स, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स के लिए है या फिर वो इंटरेस्टेड लोग जो सिर्फ साइबर लैंग्वेज को समझना चाहते हैं। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य पार्टिसिपेंट्स को बिजनेस के एस्पेक्ट्स की गहरी जानकारी मुहैया कराना है, ताकि वो मार्केट में इस्तेमाल होने वाली प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज और नए कॉन्सेप्ट्स को सामने लाकर अपनी कंपनी को मैक्सिमम गेंस दे सकें। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हैं, तो आप इस कोर्स के लिए आसानी से एनरोल कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के लिए कोई एडमिशन टेस्ट नहीं देना है। इस डिप्लोमा कोर्स में कुल 2 सेमेस्टर हैं। कोर्स के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपको ₹19,000 और सेमेस्टर 2 के लिए आपको ₹18,000 अदा करने होंगे। नमस्कार, जी बिजनेस की खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं डिस्टेंस लर्निंग के बढ़ते बाजार और स्पेसिफिकली आज हम अपना ध्यान केंद्रित करने वाले हैं साइबर लॉज एंड सिक्योरिटी पर। तो जिस तरह से आज पवन जी हम बातचीत करने जा रहे हैं साइबर लॉज पर, समहाउ आईटी की अगर हम बात करें, इंडिविजुअल्स की लाइफ को आजकल कई तरह से टच करती है और जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें इसका कहीं ना कहीं एक बड़ा योगदान बन चुका है। जहां तक साइबर लॉज की बात है, सिक्योरिटी की बात है, ये एक बड़ा मार्केट है और इसके सामने अगर हम देख रहे हैं जो ग्रोथ पोटेंशियल एक तरफ है, लेकिन अभी चुनौतियां कई सारी हैं। इस तरफ जो इस फील्ड को समझ सकें, हाईली जो स्किल्ड एक अपने आप में एक एक्सपर्टीज जो चाहिए, उस प्रकार के लोग कम हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं, जो बदलता दौर है और उसके बीच में इसकी बढ़ती मांग आप कैसे समझाते हैं? देखिए, एक बात तो सुनिश्चित है कि इंटरनेट, कंप्यूटर्स, कंप्यूटर सिस्टम्स और कम्युनिकेशन डिवाइसेस की बहुत ज़बरदस्त अडॉप्टेबिलिटी होती जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिजिटल फॉर्मेट में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो चुनौतियाँ भी हैं उनको भी हमें मद्देनज़र रखना पड़ेगा। आज हम देख रहे हैं कि यही डिजिटल फॉर्मेट का दुरुपयोग कई लोग करके अपनी गैरकानूनी गतिविधियाँ भी कर रहे हैं। तो जब इतनी ज़बरदस्त चुनौतियाँ आ रही हैं, आवश्यकता है ऐसे प्रोफेशनल्स की जो आकर जो रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनको मदद कर सकें, उन्हें एक्सपर्टीज देकर ये मार्गदर्शन दे सकें कि किस तरीके से डिजिटल इकोसिस्टम में ये जो चुनौतियाँ आ रही हैं उनको उन्होंने कैसे हैंडल करना है, किस तरीके से फॉरेंसिक एनालिसिस करके आपने अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचना है, किस तरीके से आप कानून साइबर लॉ का इस्तेमाल करते हुए अपने जो लीगल इंटरेस्ट्स हैं और लीगल जो राइट्स हैं उसको आप
सुनिश्चित तौर पे प्रोटेक्ट कर सके, तो ये समान सारी चीजें उभर रही हैं। हम तो केवल शुरुआती दौर पर हैं। टेक्नोलॉजी के जहां अपने एडवांटेजेस हैं, लेकिन समहाउ इसका जो मिसयूज होता है उसमें कई सारे चैलेंजेस भी हैं, लेकिन समहाउ इसके बीच में ये जो चुनौतियां हैं, जो हम स्पेसिफिकली ये साइबर लॉज और हम बात कर रहे हैं इनसे रिलेटेड कोर्सेज की, इसको आप किस तरह से देखते हैं? इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ रही है और आने वाले दिनों में पहले ही इन प्रोफेशनल्स की अभी काफी डिमांड है, वो और पिकअप होगी। देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि आजकल मोस्ट ऑफ अस कांट स्पेंड इवन अ सिंगल डे विदाउट यूजिंग टेक्नोलॉजी, विदाउट यूजिंग मोबाइल फोन्स या इंटरनेट। लेकिन प्रॉब्लम है कि लोगों को मालूम ही नहीं है कि व्हाट आर द रिस्क एसोसिएटेड विद यूजिंग टेक्नोलॉजी। तो सभी को फेसबुक में जाना है, सभी को मोबाइल फोन पे से डेटा ट्रांसफर करना है, सभी को ऑनलाइन बैंकिंग या ऑनलाइन शॉपिंग करनी है। लेकिन जब बात आती है इन टर्म्स ऑफ इंप्लीमेंटिंग द सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, लोगों को मालूम ही नहीं कि क्या करना है। तो देयर इज अ ह्यूज lack of awareness in terms of the best security practices, कि आप जब भी कोई भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अंकित, आप बता सकें जो ये कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं आईएमटी की तरफ से भी, इसको किस तरह से रिस्पांस मिल रहा है, जो स्टूडेंट्स जिस तरह से आ रहे हैं, अगर आप वो शेयर कर सकें व्यूअर्स के साथ? बहुत डिमांड है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऑफ साइबर सिक्योरिटी ट्रेन प्रोफेशनल्स, जो एथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी के विषय में अपनी नॉलेज इंप्लीमेंट कर सके। इंडिया में क्या है कि साइबर क्राइम बहुत बढ़ चुका है, लेकिन यू नो द सप्लाई ऑफ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स वो अभी बहुत लिमिटेड है। तो एक बहुत ही बढ़िया करियर अपॉर्चुनिटी एक बन चुकी है। आइए हम एक्सपीरियंस भी देखते हैं इनका, जो इंडिविजुअल्स रहे हैं वहाँ पर जिस तरह से कोर्सेज किए, इनका कैसा रहा है, आप हमें बता सकें? विश्वजीत, जिस तरह से आपने कोर्स के लिए आगे बढ़े, क्या फैक्टर्स थे, क्यों आपने इस कोर्स को चूज किया, और इनफैक्ट ये किस तरह से आपको अब आपकी जॉब में हेल्प कर रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा इंटरेस्ट था साइबर सिक्योरिटी का कुछ करने का, बेसिकली एथिक हैकिंग का ज़्यादातर इंटरेस्ट था मेरा। सो एक इंटरेस्ट के तौर पे भी मैंने इस कोर्स को लिया। और दूसरा, ऑब्वियसली जॉब में सिक्योरिटी, हम नेटवर्क की फील्ड में हैं तो वहाँ पे सिक्योरिटी बड़ी बड़ी कंपनीज में उसमें सिक्योरिटी का फील्ड आता है, तो देन इस कोर्स को वहाँ पे अगर मैंने ये चीज़ सीखा है तो ये मुझे वहाँ पे हेल्प करता है। जी, हम आपके पास भी लौट कर आएंगे, फिलहाल वक्त ब्रेक का है। तो ये हमारी खास पेशकश जारी है, आज बातचीत हो रही है साइबर लॉज एंड सिक्योरिटी पर, हम जल्दी लौट कर आते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आज हम जायजा ले रहे हैं साइबर लॉज एंड सिक्योरिटी का, मार्केट में किस प्रकार की हलचल है और आने वाले दिनों में क्या कुछ एक्सपेक्ट करना चाहिए। कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आइए बातचीत को हम आगे बढ़ाते हैं। मनीष, जिस तरह से आपने अभी सुना एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, इन्होंने आपको बताया इस स्पेस में जो हलचल हो रही है और आने वाले दिनों में ये अपने आप में काफी एक्साइटिंग स्पेस रहने वाला है। इनफैक्ट यंगस्टर्स बढ़ चढ़कर इस तरफ आ भी रहे हैं, आप कैसे बताना चाहेंगे ये जो इंटरेस्ट इस तरफ डेवलप हो रहा है और आगे की जो राह रहने वाली है, और आपके साथ जो पूरा एक्सपीरियंस आप बता सकें, जो आपने इनफैक्ट इसके साथ अनुभव किया है उसको अगर आप बता सकें? बेसिकली मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, मैं एक रिनोन कंपनी में ऑलरेडी इस नेटवर्क सिक्योरिटी की फील्ड में था, पर उसके बाद भी मेरे को पूरा नॉलेज नहीं था टॉप टू बॉटम। व्हाट आई वाज डेवलपिंग आई न्यू कि मैं कुछ बना रहा हूँ, बट व्हाट आई एम मेकिंग आई डिडंट नो कि उसका रियल इम्पैक्ट कहाँ पे। विद दिस कोर्स आई गॉट एन एप्टीट्यूड टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि मैं क्या बना रहा हूँ, उसका क्या एक्चुअली फ़ायदा है। एंड दिस ऑल्सो गेव मी एन एप्टीट्यूड टू सेव माई सेल्फ, बिकॉज इन द प्लेस ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी नाउडेज इवन माई डेटा इज ऑल्सो देयर इन ऑनलाइन। राइट अंकित, इनफैक्ट स्टूडेंट्स जिस तरह से हम देख रहे हैं अब इस तरफ आ रहे हैं, तो ये डिस्टेंस लर्निंग माध्यम है, इसमें एज पर इंडिविजुअल्स कन्वीनियंस फ्लेक्सिबली जिस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी से कर सकते हैं, आप ये इसको किस तरह से बताना चाहेंगे? क्योंकि अब जो पहले एप्लीकेशंस थी वो अब बदल रही हैं, अब बदलते ज़माने के साथ इनफैक्ट टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स को काफ़ी कुछ प्रोवाइड कर रही है, तो ये जो स्टूडेंट्स आते हैं कैसे एक्सपीरियंस रहता है उनका? देखिए, आजकल किसी के पास टाइम नहीं होता, तो जिसके पास टाइम नहीं है, जो रेगुलर जॉब में बिजी है या कोई और कोर्स कर रहा है, तो उनके लिए डिस्टेंस लर्निंग जो मीडियम है बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि बेस्ड ऑन देयर कन्वीनियंस, बेस्ड ऑन देयर फ्लेक्सिबल स्केड्यूल, दे कैन अटेंड द क्लासेस सिटिंग एट होम। एंड लॉट ऑफ पीपल आर ट्रैवलिंग, से यू आर डूइंग अ प्रोजेक्ट अब्रॉड और यू आर ट्रैवलिंग होम फॉर योर हॉलीडेज,
then you can still attend the classes from anywhere in the world as long as you have an internet connection. इसमें जो एडमिशन का पूरा प्रोसेस है ये किस तरह से वर्क करता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, टिपिकली लुक एट ग्रेजुएट्स जो आइडियली इंजीनियरिंग डिसिप्लिन या कंप्यूटर डिसिप्लिन में उन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है. एंड सेकेंडली यू शुड हैव एन इंटरेस्ट इन दिस फील्ड. कोई भी आप कोर्स कर रहे हो, फॉरगेट सिक्योरिटी, कोई भी कोर्स कर रहे हो, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आपके लिए फायदा नहीं होगा. आप यू वोंट बी एबल टू गिव यू 100%. पवन जी, इनफैक्ट इस प्रकार की कोर्सेज की, जैसे अभी अंकित ने बताया डिमांड पिकअप हो रही है, यंगस्टर्स इस तरफ आ रहे हैं, आपने जैसे बताया जो चुनौतियां हैं और इनफैक्ट जो आगे इस प्रकार के प्रोफेशनल्स की डिमांड भी रह सकती है, कोर्स में क्या कुछ ऐसा खास मतलब आपकी तरफ से सजेशन रहेगा, खास उस पर ध्यान दिया जाए ताकि ऑन द ग्राउंड उसको मतलब एक सही रूप से, एक सही दिशा से मतलब उसको आगे लेकर जाया जा सके? बुनियादी तौर पर मुझे लगता है कि कोई भी अगर ऐसा कोर्स होता है जो इंडस्ट्री की डिमांड्स को एड्रेस करता है तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है. आप एक एकेडमिक कोर्स करेंगे तो शायद कंपनीज उसमें इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे. अगर आप साइबर लॉ का कोर्स कर रहे हैं और उसमें आप वो कंटेंट्स डाल रहे हैं जो प्रैक्टिकली कंपनीज को मदद करेंगे कि किस तरीके से वो साइबर लीगल कंप्लायंसेस कर सकते हैं, किन किन चीज़ों को उनको ध्यान रखना है, प्रैक्टिकली किस तरीके से साइबर लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाता है, क्या क्या मद्देनजर रखने हैं, अपनी प्रिकॉशंस, सेफ्टीज एंड अदर एग्जिजेंसीज, वो अगर चीज़ें ऐसे कोर्स में डाली जाएं तो उसकी इंडस्ट्री एक्सेप्टेंस बढ़ती है. मुझे लगता है कि अगर इस तरह का कोर्स होता है तो कंपनियां आपको जल्दी नौकरी पर रखने को तैयार हो जाती हैं क्योंकि उन्हें एक वैल्यू नज़र आती है. लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बहुत से कोर्सेज केवल एकेडेमिक हैं और वो प्रैक्टिकली ओरिएंटेड नहीं है, तो प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन मुझे लगता है इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो इंपॉर्टेंट होना चाहिए. राइट, हम एक और ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आखिरी सेगमेंट के साथ हम जल्दी लौट कर आएंगे. खास पेशकश जारी है. वेलकम बैक, दिस इज द लास्ट सेगमेंट. जिस तरह से आज बातचीत हमने की है साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी पर और एक जायजा लेने की कोशिश की है स्पेस में जो गतिविधियां चल रही हैं, किस प्रकार से यंगस्टर्स के लिए तमाम अपॉर्चुनिटीज रह सकती हैं और क्या कुछ आगे एक्सपेक्ट करना चाहिए, ये फाइनल कमेंट्स लेते हैं. ये आखिरी सेगमेंट है. अगर हम अंकित आपसे जानना चाहें इन कोर्सेज के जरिए, इनफैक्ट एक नेशनल पर्सपेक्टिव तो है ही लेकिन इंटरनेशनली जो कुछ हो रहा है वो जानना भी बेहद जरूरी है, ये आप किस तरह से समझाना चाहेंगे, इनके जरिए जो आप स्टूडेंट्स को ऑफर करते हैं उसको आप अगर आप शेयर कर सकें. देखिए, द बेस्ट थिंग अबाउट अ डिस्टेंस लर्निंग और टेक्नोलॉजी एनेबल्ड क्लासरूम इज द फैक्ट दैट यू कैन अपग्रेड योर कंटेंट वेरी ऑफन. सो जो हम ये कोर्स में सिखाते हैं वो बिल्कुल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है विच कैन बी अप्लाइड इन एनी कंट्री. क्योंकि टेक्निकली तो अगर इंडिया में जो इंटरनेट है, इंडिया का जो नेटवर्क है वो यूएस का हो या यूरोप का हो या ऑस्ट्रेलिया का हो, सेम टेक्निकली सेम चीजें लागू होती है. सो वी ट्राई टू गिव वेरी इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव. जो केस स्टडीज हम देते हैं वो जो डिस्कस होती है वो भी बड़ी इंटरनेशनली, यू कैन अप्लाई इट एनीवेयर. सो स्टूडेंट कैन यू नो यूज दिस नॉलेज नॉट ओनली इन इंडिया बट ग्लोबली, विच एवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दे गो टू, दे कैन अप्लाई द नॉलेज. राइट, विश्वजीत आप बता सकें इनफैक्ट व्यूअर्स को, ये जो आपने बताया आपने स्पेसिफिकली इस कोर्स को चूज किया और जिस तरह से चेंजेस हुए, एक्सपीरियंस ये जो पूरा आपका रहा है, आप किस तरह से व्यूअर्स को समझाना चाहेंगे ये जब वो आगे बढ़े किन पैरामीटर्स को देखना चाहिए, क्योंकि कई बार ऑफर्स तमाम होती हैं, इंडिविजुअल्स कई बार कंफ्यूज होते हैं, लेकिन जब वो आगे बढ़े तो मतलब आपने जो अपना एक्सपीरियंस रहा किन पैरामीटर्स को देखकर कॉल लेनी चाहिए आपके अकॉर्डिंगली? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेंट, बेसिकली कंटेंट आपको देखना चाहिए कि कंटेंट क्या है उसमें, वो कितना आपको मतलब कितना आपको इससे हेल्प मिल रहा है इंडस्ट्री वाइज एंड कितनी क्लासेस कैसी हैं. अगर आप ऑनलाइन उस कोर्स में जा रहे हैं तो देन उसके बाद आपका वेबिनार सेशन बेसिकली क्या टाइमिंग्स कैसी रहेंगी, ये सब पैरामीटर्स हैं जो आपको बेसिकली देखने चाहिए आज के. जी मनीष, आप बता सकें इनफैक्ट इंडस्ट्री में जिस तरह से आप जिस फील्ड में हैं आपने देखा है अब ओवर द इयर्स मतलब इस प्रकार के जो इंडिविजुअल्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट पिकअप हो रही है? हाँ, और जिस तरह का स्किल सेट चाहिए क्या उसकी शॉर्टेज आपको नजर आती है अभी मार्केट में? हाँ, इसकी शॉर्टेज तो इंडियन मार्केट में ऑलरेडी है. कंपनीज लाइक ब्रांड्स लाइक सिस्को, मैकेफे, वो ऑलरेडी लोग देख रहे हैं. सो अगर आपको ये आपको उसका आइडिया है तो इट्स बेटर फॉर यू, चाहे आप
नॉर्मल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हैं, चाहे आप नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में हैं, चाहे आप सिक्योरिटी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हैं, आप जिधर भी हैं आपको सिक्योरिटी का नॉलेज कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। अब पवन जी, इनफैक्ट ये जो पूरा साइबर क्राइम्स की थ्रेट है, जैसे आपने इनिशियली बताए थे जो सर्वे के जो फाइंडिंग्स थी वो काफ़ी चौंकाने वाली भी हैं इनफैक्ट, तो आगे चलते हुए अगर हम एक और आपसे एंगल इसमें टच करना चाहें, जहाँ तक इंश्योरेंस की बात है, अभी लिमिटेड प्लेयर्स इनफैक्ट इसको ऑफर कर रहे हैं और इतनी डिमांड भी उस प्रकार से मतलब नहीं आ रही है, इसको लेकर जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती है और इसके थ्रेट परसेप्शन जो हैं, आपको लगता है ये आने वाले दिनों में ये एक बड़ा मतलब इंश्योरेंस के लिए भी एक मार्केट रहने वाला है? इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है कि धीरे धीरे लोगों को एहसास होने लगा है कि उनके इन्फॉर्मेशन एसेट्स बहुत मूल्यवान हैं और अगर उनको नुकसान पहुंच जाएगा तो हो सकता है उनका जो बुनियादी ढांचा है बिजनेस करने का उसको एक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मुझे लगता है ये एक नया निश सेक्टर है और इंश्योरेंस कंपनीज धीरे धीरे करके नई ऑफरिंग्स लेकर आएंगी। जिस तरीके से हम अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करते हैं, अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं, अगले आने वाले 5-10 सालों में हमारे पास डिजिटल इंश्योरेंस होगी कि हमारा डिजिटल डेटा खराब ना हो, कहीं लुप्त ना हो, अगर कहीं डिस्ट्रॉय होगा भी तो इंश्योरेंस हमको पैसे देगी और उसके लिए हम सालाना प्रीमियम भी देंगे। एक बहुत निश एरिया है बट मुझे लगता है आने वाले समय में इसकी बहुत बड़ी मार्केट होने वाली है। एब्सोल्युटली, आने वाले दिनों में नो डाउट इसमें काफ़ी स्पेस में हलचल रहने वाली है। ये जो आपने पूरा स्टूडेंट्स के साथ जब इंटरेक्शन रहता है, इसमें जिस तरह से हम इनिशियली चेक कर रहे थे डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से, आपने बताया था अब ऐसा जो एप्रीहेंशन पहले होती थी उस प्रकार से नहीं है। इंडस्ट्री में एक्सेप्टेबिलिटी भी आपको लगता है इसमें अब बढ़ रही है, क्योंकि संभव जैसे हमने कहा एम्प्लॉयज़ के लिए भी, एम्प्लॉयज़ दोनों के लिए बेनिफिशियल रहता है और आने वाले दिनों में जो कुछ एक्सपेक्टेड है, तो ये इसके एक्सेप्टेबिलिटी इंडस्ट्री में भी आपको लगता है अब चेंजेस हो रहे हैं विद? आई थिंक अगर आप 10 साल पहले देखोगे तो कॉरेस्पॉन्डेंट जो कोर्सेज होते थे उसके अगेंस्ट थोड़ा सा यू नो नेगेटिव ओपिनियन रहता था इंडस्ट्री में, लेकिन ये कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स नहीं है, ये डिस्टेंस लर्निंग कोर्स है जिसमें एक्चुअली एक फैकल्टी आपको पढ़ाएगा। आप अपने रूम में बैठे होगे, अकेले बैठे हो, लेकिन ऐसा ही आपको महसूस होगा कि आप क्लासरूम में बैठे हो। उन फैकल्टी को आप देख सकते हो, सुन सकते हो, उनके प्रेजेंटेशन स्लाइड्स देख सकते हो, उनको चैट के द्वारा क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो व्हेनेवर यू वांट, एंड द कंटेंट इज कॉन्स्टेंटली अपडेटेड। बहुत प्रैक्टिकल किस्म का कॉन्टेंट है जो आप इंडस्ट्री में जाके आप अप्लाई कर सकते हो, एंड स्लोली इंडस्ट्री हैज रियलाइज कि डिस्टेंस लर्निंग इज नॉट लाइक कॉरेस्पॉन्डेंस एंड इट इज एक्चुअली ऑलमोस्ट एज गुड एज सिटिंग इन द रियल लाइफ क्लासरूम। तो ये थी हमारी खास पेशकश साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी के बाजार में, जिस प्रकार से अब तमाम कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं और स्टूडेंट्स बढ़ चढ़कर इस तरफ आ रहे हैं, आने वाले दिनों में नो डाउट इस स्पेस में काफ़ी हलचल रहने वाली है और तमाम अपॉर्चुनिटीज रहने वाली हैं। तो अगर आप भी इस तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं आप तो अपना होमवर्क प्रॉपरली करें, सभी पहलुओं को देखें, परखें, एनालाइज करते हुए आप भी इस तरफ आगे कदम बढ़ा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, कार्यक्रम देखने के लिए शुक्रिया।